अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ लाइफ में ऐसा एक बार तो ज़रूर हुआ होगा कि आपका इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया होगा और आपने जैसे ही डाटा ऑन किया तो आपका सारा बैलेंस ज़ाया, या फिर आपका सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज था और आप लोगों ने डाटा ऑन किया तो भी आपका बैलेंस ज़ाया। तो आप लोग कैसे बचा सकते हो अपने बैलेंस को अगर आपका सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज है? तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि हर कंपनी हर नेटवर्क आप लोगों को एक कोड देता है जिसमें आप लोग डाटा ऑन करते हो अगर आपका पैकेज नहीं भी है तो भी, इंटरनेट पैकेज नहीं है अगर आप लोगों का और आप लोग डाटा ऑन कर देते हो गलती से और आपकी सिम में बैलेंस है तो आप लोगों का बैलेंस ज़ाया नहीं होगा। वो कैसे? हर कंपनी आप लोगों को एक कोड देती है जिसके ज़रिए आप लोग अपने बैलेंस को लॉक लगा सकते हो, और जब बैलेंस लॉक हो जाएगा तो आप लोग डाटा ऑन भी करते हो तो आप लोगों का बैलेंस यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा। अगर आप लोग SMS करते हो या फिर किसी को कॉल करते हो तो आपका बैलेंस यहाँ पर ज़ाया होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग डाटा ऑन कर देते हो तो आपका पैकेज नहीं है, इंटरनेट पैकेज नहीं है, तो यहाँ पर आपका बैलेंस ज़ाया नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग इंटरनेट पैकेज करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप लोगों का सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज है तो आप यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप ही यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। जैज़ का जो कोड है आप लोगों ने डायल करना है अपने डायल पैड पे जाके, जैज़ के लिए है ये *869#। अगर आपके पास जैज़ की सिम है तो आप लोग *89# जैसे ही डायल करोगे या फिर इस पे SMS करोगे तो आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी, आपका बैलेंस लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगली जो आपको है वो जोंग के लिए *400#, फिर फॉर और साथ में हैश, इस पर आप लोग मैसेज या फिर कॉल करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे बैलेंस लॉक हो जाएगा, और अगर आप लोग डाटा ऑन करते हो तो आपका बैलेंस यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप लोग चाह रहे हो कि मेरा बैलेंस अनलॉक हो जाए, मैं डाटा ऑन करूँ तो बैलेंस बेशक ज़ाया हो जाए और मेरा जो डाटा है वो ना भी हो तो बैलेंस ज़ाया हो जाए अगर मेरे फ़ोन में है, तो उसके लिए जो अनलॉक कोड है इसका, या फिर अगर आप इस सर्विस को अनसब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो वो इसकी जो कोड है वो है *869 और सितार फिर आगे 2#, सिर्फ 2 का आप लोगों ने एडिशन करना है और हैश डायल कर देना है, और जोंग का अनलॉक कोड कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपका डाटा यहाँ पे अगर नहीं होगा तो आपका बैलेंस यहाँ पे सेव रहेगा। अब यहाँ पे टेलीनॉर और बाकी जो नेटवर्क हैं उनका मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है लेकिन उनका मुझे नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कोई भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऐसा कोड जिससे आप लोग अपने बैलेंस को अनलॉक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टेलीनॉर के लिए एक कोड है *710#। अगर आप लोग *710# टेलीनॉर की सिम पे डायल करते हो, आप लोगों को यहाँ पे मैं करके भी दिखाऊंगा। ये डायल करने के बाद यहाँ पे डायल पैड में जाता हूँ और आप अपने जो भी आप लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हो, आप जैसे ही आप लोग *710# डायल करोगे और अपनी टेलीनॉर की सिम पे आप लोग इसे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका USSD कोड रनिंग होगा और आप लोगों के सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, और यहाँ पे आपको एक जो कि 9वें नंबर पे बैलेंस यूजेज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि आप लोगों ने बैलेंस कहाँ पर यूज़ किया, किधर किधर यूज़ किया, ऑल यूजेज चेक करना चाह रहे हो, इंटरनेट यूजेज, उसके अलावा कॉल यूजेज, SMS, अदर चार्जेज, मेन मेन्यू वगैरह, और बैक पे जाने के लिए मेन मेन्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपको तमाम तरह डिटेल मिल जाएंगी अगर आप लोग टेलीनॉर सिम की डिटेल निकालना चाह रहे हो कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ बैलेंस आपका यूज़ किया या फिर आप लोगों ने कहाँ कहाँ ज़ाया किया, आप लोग बैलेंस यूज़ करते हो उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस लॉक करने वाला कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर आप लोग मज़ीद कोर्स देखना चाहते हो तो मैंने नीचे एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उसमें बहुत सारे कोड है जैसे कि पिन, पक कोड वगैरह, सिम ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, तमाम तरह डिटेल इसमें मौजूद है, आप लोग उसे विजिट कर सकते हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। सो गुड बाय।